हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विद विवेक, मैं आप सब का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे अलजेब्रा के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम आपका जो रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्जाम उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, आपको 29 जनवरी 2022 को जो क्वेश्चन पूछा मेंस का, जो कि टीसीएस ने एग्जाम लिया है मेंस का, तो आपको क्योंकि सीबीटी 2 का भी एग्जाम कौन लेगा, टीसीएस लेगा, इसको देखते हुए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसीलिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। एक क्वेश्चन आपको हम एक्स्ट्रा देंगे, आप कमेंट में उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, पूछा क्या क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर माइनस रूट सेवन एक्स प्लस वन बराबर जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स पर पावर फाइव प्लस वन बट एक्स पर पावर फाइव। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं आगे। क्या है, यदि आपका x प्लस वन बट एक्स दिया होगा, मान के कुछ डाटा दिया हो, ठीक है, मान के कुछ दे दिया, मान के m ही दे दिया, चार दे दिया, पाँच दे दिया, छः दे दिया, कुछ भी दे देगा, तो x पर पावर फाइव प्लस वन बट एक्स पर पावर फाइव निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक्स क्यूब प्लस वन बट एक्स क्यूब, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बटे एक्स को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। यदि याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी ही बन जाएगा। इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों गुना होगा, सबसे पहले ये दोनों गुना होगा, इसको प्रूव कर देते हैं, इतना आ गया, ठीक है। देखिए, ये इसका भी फॉर्मूला, ये इसका भी फॉर्मूला आपको आता है, पहले हम क्या करते हैं, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। इसको ऐसे गुना होगा, देखिए एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, चूँकि बेस सेम है, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर गुना होगा, बेस से हमें पावर क्या होगा, जुटेगा जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये एक्स पावर कितना हो जाएगा आपको, फाइव हो जाएगा। प्लस इसको आप फिर किससे गुना करना होगा, इससे गुना करना होगा, कितना हो गया, एक्स क्यूब बट्टे वन बट्टे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको ये दोनों से गुना करना होगा, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा आपको, एक्स क्यूब हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा आपको, अब ये इससे गुना होगा, ये कितना हो जाएगा, वन बटे कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर फाइव हो जाएगा। अब माइनस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स प्लस वन बटे कितना दिया आपको, एक्स दिया हुआ। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये तीन था, यहाँ दो कट जाएगा, यहाँ दो है, यहाँ तीन, एक कट जाएगा। अब इसको ये कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर फाइव हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपको, एक्स हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, वन बटे एक्स हो जाएगा। प्लस कितना होगा, वन बटे एक्स पावर फाइव हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन बटे एक्स हो जाएगा। अब देखिए, ये और ये वाला कट जाएगा आपको, ये कट जाएगा, क्या बचा आपको, एक्स पावर फाइव बटे वन बटे एक्स पावर फाइव बचा। तो ये आपको याद रखना है। तो अब याद रखने के लिए तो याद हो गया। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे और चाहिए कि आप यदि अलजेब्रा पूरा पढ़े होंगे, ये भी इसको आपको याद होगा। तो एक्स क्यूब वन बटे एक्स क्यूब जो वैल्यू होता है कितना होता है, एक्स प्लस वन बटे एक्स का कितना होता है आपको होल क्यूब, माइनस कितना होता है आपको, थ्री इंटू एक्स प्लस वन बटे एक्स होता है, ठीक है। यदि आप एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे कितना आपको, एक्स स्क्वायर है। ये बराबर कितना होता है आपको, एक्स प्लस वन बटे एक्स का होल स्क्वायर, माइनस कितना होता है आपको, माइनस टू होता है। बस इतना याद रखिएगा, आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछेगा सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या पूछा कि एक्स पर पावर फाइव प्लस वन बटे एक्स पर पावर फाइव पूछा है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। आप जिस भी चीज़ को लिखते हैं दोस्तों, दो तीन बार फॉर्मूला लिखे आपको याद भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब वन बटे एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब इंटू कितना हो जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर वन बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा आपको, एक्स प्लस वन बटे कितना हो जाएगा आपको, एक्स हो जाएगा। आपको पता है कितना बराबर कितना होता है आपको, चूँकि अब देखिए हमको इसको वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको देखिए थोड़ा सा इधर साइड में देख लेते हैं क्या है आपको यहाँ पे, कि एक्स स्क्वायर माइनस कितना आपको, रूट सेवन एक्स प्लस वन बराबर कितना, जीरो है। दोनों साइड एक्स से भगा दे दीजिए, दोनों साइड क्या करेंगे, एक्स से भगा दे दीजिए। ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। माइनस कितना होगा, रूट सेवन हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, वन बटे एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हो गया वह एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपको, रूट सेवन हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू आ गया, एक्स प्लस वन बटे एक्स का वैल्यू कितना हो गया, रूट सेवन आ गया। अब इतना बराबर कितना होगा, रूट सेवन का कितना हो जाएगा, होल क्यूब माइनस थ्री इंटू रूट कितना हो जाएगा आपको, सेवन हो जाएगा। ये हो गया इसका, अब हो गया, ठीक है। अब इसको आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपको, रूट सेवन का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस दो हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा आपको, रूट सेवन हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, रूट सेवन का होल क्यूब कितना हो जाएगा आपको, सेवन रूट थ्री हो जाएगा, सेवन रूट सेवन हो जाएगा। माइनस कितना होगा, थ्री रूट सेवन हो जाएगा, ये इसका हो गया। अब ये कितना हो जाएगा आपको, रूट सेवन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, सात में से दो का कितना हो गया, पाँच हो गया। माइनस कितना हो गया आपको, रूट सेवन हो गया। अब देखिए सेवन रूट सेवन में से थ्री रूट सेवन घटेंगे कितना हो गया, चार रूट सेवन हो जाएगा।
फोर रूट सेवन इंटू कितना हो गया फाइव माइनस कितना हो गया रूट सेवन हो गया, ये कितना हो गया पाँच हो गया बीस रूट सेवन हो गया माइनस रूट सेवन हो गया, घटा देंगे कितना हो जाएगा उन्नीस रूट सेवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। ठीक है अब देखिए क्या है क्वेश्चन आपका कि इफ एक्स प्लस वन बटा एक्स पावर तीन हो तो आपको बताना है कि एक्स पावर फाइव प्लस वन बटा एक्स पावर फाइव का मान कितना होगा। इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट में बताना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक साथ जरूर कीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।